अस्सलाम वालेकुम। तो मुल्तान लोग पार्ट टू थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत बड़ा ही पार्ट था, छोटा नहीं था। तो उधर ये टैंक थे, असली दो दो थे, तो एक यहाँ पे एक वहाँ पे। तो हम लोग टैंक्स के ऊपर चढ़ भी सकते थे क्योंकि वहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई थी चढ़ने के लिए। तो इतना ज्यादा असली टैंक पे चढ़ के इतना मतलब मजा आया ना। और हम लोग ने बड़ी शरारते की, डर भी बड़ा लग रहा था। एक तो सीढ़ियां इतनी अजीब थी, उतरने में भी ऐसे इधर से मैं निकल के आ गई। बड़ा मजा आया था, कभी चढ़े थे कभी उतरे थे। ये थोड़ी सी इसकी लिखी हुई है कि किस तरह का है ये टैंक। तो मैं इसके ऊपर लेट गई थी, बड़ा मजा आ रहा था, डर भी लेकिन इधर लेट के बहुत ज्यादा लग रहा था। और ये थोड़ा बहुत ज्यादा झूले लगे थे, तो ये पानी था, इसके अंदर बोट चला सकते हैं वो जो सामने खड़ी है। और हम ऊपर जा रहे हैं झील को देखने, और यहाँ पे थोड़ी सी हमने शरारते की। हम जिस तरह फिल्मों में नहीं होते उलट रहे थे। और ये अब हम लोग ड्रैगन वाली में बैठ गए ट्रेन में, और मुझे तो हमारी शक्लें देख के हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। भाग भाग के हमें पसीना आया हुआ है। और मैं अंकल से पूछ रही थी कि अंकल ये कितने चक्कर लगाई है, क्योंकि मुझे इसकी पटरी देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और ये एकदम से ही स्टार्ट हुई है ना, मेरे तो दिल पे हाथ रख लिया था, राइतल कर जी बस पड़ी जा रही थी। जब ये ऊपर से नीचे आती है तब ज्यादा डर लगता है, और हमारी चीखें तो इतनी ज्यादा निकल रही थी ना। और इसके अंदर से नीचे इसके टायरों में से आप देख सकते हैं लाइट निकल रही है। ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इतना ज्यादा डर लग रहा था। जितना ये लग रहा है कि स्लो है, पर ये बहुत तेज था। इसके अंदर जो बैठे थे उसी को पता है, इन्हें पूरे 5 चक्कर काटे और फाइनली ये रुक गई। और फिर ये जहाँ छोटी सी झील थी, तो यहाँ पे बतखे भी थी और बहुत ज्यादा प्यारी थी। तो अब हम लोग ट्रैम्पोलिन पे आ चुके हैं, और इधर हमने बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मजा यहाँ पे किया क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा टाइम रहे ना उस पे। तो 5 चक्कर काट के बस इस पे हम बहुत देर रहे थे, मतलब बहुत छलांगे चिलूंगे मारी। फिर इतना थके हुए थे, तो इतने ज्यादा थके हुए थे कि हमसे तो ऊपर चढ़ा भी नहीं था जा रहा, हाथ पकड़ पकड़ के चढ़ रहे थे। पर ट्रैम्पोलिन में हमने ट्रैम्पोलिन में बहुत ज्यादा मजा किया और बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया। अब इतना ज्यादा थक चुके थे कि स्लाइड जाते वक्त भी हम लोग सांस ले लेके आ रहे थे, फिर भी उतर के छलांगे मार रहे थे। छलांगे मार मार के सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। अंकल ने मना किया था कि स्लाइड से कोई नहीं चढ़ेगा, पर बच्चे फिर भी चढ़ रहे थे, पर हम लोग नहीं थे चढ़ रहे। तो इतना ज्यादा यहाँ पे बहुत सबसे ज्यादा मजा आया, और ये टेढ़े वेढ़े होके हम लोग जाते गए, इतना ज्यादा मजा आया यहाँ पे। और ये मैं छलांग मार के मन को देख। अरे फिर हमने एक कॉटन कैंडी देखी बनती हुई, तो हमने भी खड़े होके देखी कि कैसे बनती है। नीचे से पता नहीं होगा धुआं तो आता है, उसके साथ ही कॉटन कैंडी होती है तो वो बस लिपटती रहती है। और ये देखिए इसकी चीनी के अंदर मिक्स की हुई है।